मैं तो सख्त नाराज हूं। तुमने चीट कीता है। मैंने अगर तुम दस्या होंगे ना तुम इस वैशी औरत को सदया तो मैं अपनी दोजक की मसरूफे छड़ के कभी ना आंदा। नहीं नहीं क्यों नफरत थी आपको इससे, क्यों इसे नापसंद करते थे? ये तो दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से एक थी। उसे कैलो पत्रा समझते हो? आई गैस एक कोला पत्रा है। कोला पत्रा क्या? कोले वर्गी काली ते पत्रे वांगू तेज। वैसे क्लियोपेट्रा तारीख में जो सबसे बुरी चीज है ना आपके हवाले से वो है आपकी टांगे। कोला पत्रा नु रेच दिया लता लगिया ने। क्यों इन्ने वाल? क्लियोपेट्रा हमने तो आपके हुस्न के इतने किस्से सुने हैं। तहाई दिल फेंक खातून सी मेरी, दिल लाई फ्रेंडशिप तुंदी सी। जिधर मैं फ्रेंडशिप बनानी से ना। अभी देखें आप बैठे बैठे अपना जेंडर तो चेंज ना करें, आपका तो नाम ही बॉयश है पॉसिनस। मेरी ड्यूल पर्सनैलिटी सी। अच्छा जो मैं लड़ाई करना सा तो उदो मैं मर्द होना सा, जो मैं फारग होना सा तो उदो फिर मैं ऐ होना सा। पॉसिनस तुमने अपनी कभी बूथीनस देखी है? वैसे क्लियोपेट्रा इधर जो आप मुदब्बर बन के बैठी हुई हैं, आप इतनी कोई अमन पसंद या कोई अच्छी खातून नहीं थी, बहुत जालिम रही हैं आप। नहीं क्लियोपेट्रा अपनी आवाम के लिए बहुत जबरदस्त हुक्मरान, साजिशी तो थी ना, कंस्पिरेसीज करती थी। हाँ ओवर एम्बिशियस तो थी आप। बिलाल जी वैसे बड़े अफसोस की बात। क्यों? अगर इस तरह के दो टके के लोगों ने मेरे बारे में बात करी तो मुझे बुलाया क्यों आप? इनकी आवाज ही रहीम यार खान दे बस कनेक्टर वर्गी। क्लियोपेट्रा सात जबानें जानती थी और कहत के दिनों में अपनी आवाम के लिए टैक्स तक माफ कर दी। कहत आता भी तो उनकी अपनी हरकतों की वजह से। मेरे नन्ने मुन्ने बच्चे ने बहुत अच्छी गल की थी। एक जगह चावल वंडी दे पोती नस ने अपनी टोपी ला के कहता लाही खैर है चुपा। वैसे बीना मेरा यहाँ पर एक सवाल था कि 100 रुपया चाहिए। सवाल सुन तो ले, मेरा ये सवाल है कि हमने दो राइवल्स को एक साथ क्यों सेट पर बुला लिया? As we all know कि क्लियोपेट्रा मिस्र की मलका थी, उनके वालिद टॉलमी 12 की जब डेथ हुई तो जाहिरी बात है उस सीट का जो हकदार था वो क्लियोपेट्रा का भाई था, लेकिन उस वक्त क्योंकि क्लियोपेट्रा के भाई की उम्र बहुत कम थी तो लिहाजा सल्तनत के अमूर को चलाने के लिए एक रीजेंट की जरूरत होती थी, जिसके लिए पोथाइनस जो था वो बहुत सूटेबल था। तो दैट वाज द टाइम बेसिकली जब सल्तनत के अमूर चलाने के लिए पोथाइनस को टॉलमी 13 का को चेयरमैन बना दिया गया। को चेयरमैन आई मीन रीजेंट, वजीर। अच्छा, और यहां से शुरू होती है पोथाइनस एंड क्लियोपेट्रा की राइवलरी, क्योंकि क्लियोपेट्रा बहुत स्किल्ड थी, बहुत काबिल थी और पोथाइनस के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट था। लिहाजा पोथाइनस ने साजिशें शुरू कर दी, क्लियोपेट्रा को बहुत दफा कत्ल करवाने की इन्होंने कोशिश भी की। और सिर्फ यही नहीं, टॉलमी 13 और क्लियोपेट्रा दोनों बहन भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, यहाँ तक कि नौबत जंग तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रॉब्ली ये शायद तारीख के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रांसजेंडर्स में से एक था। मतलब ताड़े कहने का मतलब है खुसरा। तू मेरे हाथ थले नहीं है बल्कि तू मेरी दाढ़ थले नहीं है, वरना तू इंजन कहता खुसरा। इस तरह किसी ने कही ना खुसरा भी अज्जे तुहाडे दौर विच जिथे तुसी ख्वाजा सरावां दे डांस वेखते हो बड़ी मेरे मोहब्बत करते, बड़ी शफकत करते, छोटा भरा उन्होंने मेरी गोद च पा के मैं दुनिया छड़ के जा रहा अज तो बाद तू ही इहदी मां है। दूसरा बादशाह आंदा ना बिगल वजदा तू 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 जो आंदा गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा फिर तुहाडे शो दे बंदे जी अफशां दे मुंडे पागल हो। अच्छा कलो पत्रा वर्गा मलंगना अद्धा घंटा धमाल पा के बाद चुराला सट्टन लग पा। यह बेरी नू थले थले बेर लगे होंगे उत्तों गंजी होंगी। अच्छा क्लियोपेट्रा वो इतनी मेहनत करती थी आपके भाई के लिए, आपने अपने भाई के लिए क्या किया? ये थे अपने भाई नू खराब करना चाहती। ये क्लियोपेट्रा से आपको जेलस थी उसकी ताकत की वजह से थी, उसके हुसन की वजह से थी, उसके मुआशकों की वजह से थी? हर तरह से जेलस थी, मुझसे खूबसूरती, मेरी बहादुरी, मेरी दरिया दिली, हर चीज से तो चिढ़ती थी ये। ओ मलका किसी सारी जिंदगी नजले दी दवाई नहीं ली। मेरी सड़ दी है तेरे को जुत्ती। ये असल ये है टॉलमी को वो ये बनाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि टॉलमी इसके जैसा बन जाए। अब देखो कलो पत्रा का बच्चा भी कोई नहीं गा तो वाला ना कितनी टाफियां टंगी हैं। ये स्टाइल है पेंडू आदमी। फैशन स्टेटमेंट तो बहुत जबरदस्त है। ये बिल्कुल सच बात है, क्लियोपेट्रा वाज सो फैशनेबल। ये जो रेड लिपस्टिक है और रेड नेल पेंट है ना, इसकी रिवायत क्लियोपेट्रा ने डाली। पूतना से एक बार शाहकोट चला गया फंक्शन करन। अच्छा
डेक चलाया तो बत्ती चली गई उन्होंने ट्रैक्टर स्टार्ट करता सारी रात पिट 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 नचदा रहा योजी मूर्त ना तलवार वाल वेख के सुरखी ला रही होंगी ये आपने इतनी कतल की साजिशें की क्लियोपेट्रा के ऊपर कोई कामयाब क्यों नहीं हुई वही मैं तुम दसना चाह रही सी क्योंकि मैं जदों भी खिलाफ कोई साजिश करने लग रही सी तो मेरी ऑडियो लीक हो जाती अच्छा यानी कि जो आज तक हो रहा है वो पहले भी होता था ये रिवायत वहीं से चलती आ रही है एक बारी पुत्र नु पुलिस ले गई चौक के पहला छितर वजया कहंदी हुई मैं मर गई दूजा मारया हुई मैं मर गई तीजा कहंदा हां मैं मर गया ऑडियो मेरी जड़ी लीक हुंदी सी मैं बड़ा गौर खोज कीता कि कौन करता है इस चलाक औरत ने तोता रखया सी ओ पाए तोता ओ ते मेनु बाद पता लगा कि ए तोता मेरी गुफ्तगू सुनदा है ते जाके कह लो पत्रा नु सारी गल दसदा है मैं ते कमरे च जिंदा सप सुटे इतना मिनट बाद आ कहंदी सारा जहर पी लिया सब खाली हो गया गो अच्छी कंपनी ने सब तारीख में आपको हुसन की मलका जहरीली नागन बेवफाई की अलामत पता नहीं क्या क्या कहा जाता है आपका फेवरेट टाइटल कौन सा है ये सारे इल्जाम है मेरे पे मेरा फेवरेट है बाबा की डॉल कौन है बंगाली बाबा की डॉल बंगाली बाबा की नहीं मेरे पापा अच्छा मी द्वेल्थ अच्छा उनकी डॉल थी हमेशा मुझे रानियों की तरह गुड़ियों की तरह पाला उन्होंने पापा की प्रिंसेस थी आप आपके फेसबुक अकाउंट भी होंगे फेक किस्म के बिल्कुल मासूम बेटे क्योंकि दुनिया वाले ने क्लियोपेट्रा देखी नहीं हाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने तो देखी थी वैसे सिक्कों पे जो क्लियोपेट्रा की पिक्चर है उसमें बड़ी लंबी सी नाक और मर्दाना वजाहत है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी नहीं इन्हें दुनिया पागल की थी फ्रॉड लाया जादूगरनी ने इन्होंने बड़ा बड़ा हरेस किया आपको हरेस किया इनके जो दीगर मशागिल थे इनके पास तो वक्त ही नहीं होगा हरास करने का भाई आप क्या कह रही हैं ये आप मुझे टॉन्ट कर रही हैं नहीं जो तारीख कह रही है आपके बारे में दीगर मशागिल से क्या मतलब है आपका सारी दुनिया तेरे दीगर मशागिल नु जान दी अपने हाथ तो बाहर ना निकल ओ जीदे जीदे तोड़े कादा किते गड़ियां लुटो किड़े काम पे अच्छा मलका आपको पुरस्कार कहा जाता था क्यों कहा जाता था देखो बहन मेरी मुझे पुरस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी बहुत अकेली रहती थी और Really? मुझे सच्चा प्यार भी नहीं मिला oh my God. अद्धा मिस्र अपने अच्छे तेरे नकान में लेके फिर रहे अच्छा बीना वैसे मैं कुलपेत्रा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ yes. आपका हुसन बहुत ज्यादा फेमस है तो आप इसको मेंटेन कैसे करती थी oh, मुल्तानी मिट्टी वैसे अब मैं सोचती हूँ कि ना हुसन केड़े काम था क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं उस दौर में अगर 50 मेगापिक्सल का कैमरा होता और मैं भी पाउट बना के आज आप लोग मेरी बातें कर रहे लेकिन मुझे सच्चा प्यार तो नहीं ना मिला क्लियोपेट्रा ये बताएं कि ये जूलियस सीजर से मिलने आप कारपेट में क्यों गई थी आपने वो कारपेट अरेंज कैसे किया था मैंने रग बेल फोन किया एक पठान को मैंने कहा हाजा कारपेट उन्हें इश्क ही इन्ने की थे उन्हें पता नहीं मैं बंदा कितों सदने सच्चा इश्क नहीं मिला इनकी और जूलियस सीजर की दास्तान इश्क इतनी मशहूर थी कि लोग कहा करते थे कि अगर जूलियस सीजर इस पे ज्यादा ध्यान ना देता तो इतना कमजोर ना होता ये खूबसूरत नहीं सी मेरी गल मान लो वीकेंड ते जदों सिर नु तेल लाके महल च फिरदी सी ना अच्छा इंज लगदा सी मिस्त्री नु छुट्टी हुई अच्छा बिना क्लियोपेट्रा का करेक्टर यूं तो बहुत ज्यादा फेमस है इस पर मूवीज कितनी बन चुकी है क्लियोपेट्रा के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं तकरीबन 10 से तो ज्यादा ही होंगी और बहुत सारी खूबसूरत खवातीन ने क्लियोपेट्रा का रोल भी किया है बट माई पर्सनल फेवरेट सो फार इज एलिजाबेथ टेलर She has done the justice with the character. वैसे ये ना मुझे लगता है आप बड़ी fascinate हैं क्लियोपेट्रा से कि आपने भी red lipstick, nail polish और earrings पहने हैं। I like red color anyway. आज माशाल्लाह लग रहा है कड़ी वाले पतीले जो सिर निकले हैं। बिना जी एहो जा मुंडा नहीं हो मोटा ये मूछ बुरकी पावे ने बुरकी थले तक जाने करें ओए मेनू अमेज़न दे जंगलां छोड़ हेलो एवरीबॉडी अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ